भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैचों का सीरीज खत्म हो चुका है और भारतीय टीम ने 1-0 से न्यूजीलैंड को हरा दिया है T20 मैचेस में। तो दोस्तों अब शुरू होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैचों का श्रृंखला, जहां दोस्तों बता दें कि अब भारतीय टीम के कप्तान फिर से बदलने वाले हैं। जहां दोस्तों T20 में जहां कप्तान हार्दिक पांड्या थे, तो दोस्तों वहीं अब वनडे में कप्तान भारतीय टीम का शिखर धवन रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें यह सभी मुकाबले कब और कहां पर होने वाला है, तो दोस्तों बता दें कि पहला वनडे मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर को खेला जाएगा, वहीं दूसरा वनडे मुकाबला जो कि 27 नवंबर को खेला जाएगा और आखिरी वनडे मुकाबला जो कि 30 नवंबर को खेला जाएगा। या दोस्तों बता दें कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह के 7 बजे शुरू होने वाले, सुबह सुबह ही उठना होगा अगर मुकाबला देखना है आपको भारत और न्यूजीलैंड को। तो दोस्तों वहीं बात करें आप यह मुकाबला कहां पर देख सकते हैं, तो दोस्तों बता दें कि फ्री DD स्पोर्ट पर आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा Amazon प्राइम पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें भारतीय टीम का स्क्वाड वनडे मैचेस के लिए, तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से है। शिखर धवन जो कि कैप्टन है, इसके बाद ऋषभ पंत जिसे वाइस कैप्टन बनाया गया है, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, दुजेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन, उमरान मलिक। या दोस्तों यह होगा भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचेस के लिए। बता दें कि हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को इसमें रेस्ट दिया गया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा कोई भी खिलाड़ी इसमें नहीं है, ज़्यादातर खिलाड़ी यंग है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का कैसा रहेगा प्रदर्शन, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।